ओम गं गणपतये नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं, आज बुधवार एकादशी पर गणेश जी की यह कहानी। गणेश जी क्यों बने नौकर? इस कहानी को गणेश जी के व्रत के बाद एवं अन्य किसी व्रत के बाद पढ़ना या सुनना शुभ माना जाता है। इसको अंत तक जरूर सुने। जय गणेश कमेंट करें। यह बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनी राम का था। कुछ समय बाद विनायक जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगली ही सुबह विनायक जी 13 से 14 साल के एक लड़के का रूप लेकर नौकरी मांगने के लिए धनी राम सेठ जी के घर पहुँचे और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी नौकरी भी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी श्याम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। वह देख गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से धुलवा दिए। गणेश की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश की शिकायत कर दी। सेठ जी ने सब कुछ सुनने के बाद सेठ धनी राम ने गणेश को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा, गणेश की सोच तो बड़ी अच्छी है। उसके कुछ दिन बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। अब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख गणेश दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश की इस हरकत से सेठानी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सेठानी जी घर आते आते पूरी रास्ते गणेश को ताने पर ताने मार रही थी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। गणेश आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेश की शिकायत शुरू कर दी। सेठ जी ने तुरंत ही गणेश को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार कितनी अच्छी हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ
और सेठानी जी को बुला कर लाओ। सेठ जी की आज्ञा अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वह देखते ही विनायक जी ने वह काली चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आइए। अब सेठानी बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और गणेश पर चिल्लाने लगी। वह आवाज़ सुनकर सेठ जी वहाँ पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली, गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी पूजा में कभी काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इससे शुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो बहुत ही समझदार, इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते उनको याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। गणेश बोले कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लें, आपके सारे शुभ काम फल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी गुस्सा हो गए और बोले, गणेश तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। उत्तर में गणेश जी मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्हें अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके पश्चात गणेश जी देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। यह सोच सोच कर दोनों दुखी होने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में गणेश भगवान प्रकट हुए। उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारी घर की नौकरी कर रहा था। अगले ही दिन से सेठ जी पर गणेश भगवान की माया हो गई। उनका व्यापार दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करने लगा। धनी राम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। हे गणेश जी, जैसी माया आपने धनी राम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले हर व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना और अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना।